माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे माँ मुझको झुलाओ ना झूला। तुम दाया बो को मना लो। है तो बहुत मुश्किल लेकिन तुम्हारे लिए मैं उनको मना कर ही रहूंगा। खबरदार बकवास की होगी तो मुंह तोड़ दूंगी अगर मेरे भाई के खिलाफ एक लफ्ज बोला। ना तुम बिलाल से इश्क लड़ाती और ना मैं अपने भतीजे को इस तरह रिश्ते से मना करती और मेरा भाई भी ना नाराज होके जाता मुझसे। चची चाहती हैं कि हक मेहर में आप ही घर मुस्कान के नाम कर दें। चलिए अब यहां पर मजीद रुकने का कोई फायदा नहीं क्योंकि इनकी बातों से लगता है कि अपनी बेटी का रिश्ता नहीं सौदा करना चाहती। अदनान, आपने मुंह क्यों नहीं तोड़ा उसका? दिल तो चाह रहा था मुंह तोड़ दूं उस कमबख्त का, लेकिन तुम्हारा चेहरा मेरे सामने आ गया। मुझे बर्दाश्त करना पड़ा ये सब कुछ तुम्हारी वजह से मुस्कान। माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे माँ मुझको झुलाओ ना झूला। बिलाल, जब तुम्हें अम्मी की शर्त पता थी तो क्यों भेजा तुमने ताया अबू को? क्यों? क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हें नहीं पता क्या हुआ? नहीं, मुझे नहीं पता क्या हुआ है। तो फिर जाके पूछो अपने घर वालों से और अपने उस भाई से जो मेरी अम्मी से इतनी बदतमीजी करके गया है। क्या अदनान ने चची से बदतमीजी की है? सिर्फ बदतमीजी ही नहीं, मेरी भी तौहीन की है उन्होंने। उन्हें लगता है कि अम्मी मेरी शादी के बजाय कोई सौदा कर रही है। What? मुझे तो यकीन नहीं आता बिलाल कि तुम्हारे भाई के दिल में हमारे लिए इतना जहर है। तुम चाहो तो बेशक कसम उठवा लो, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारा घर अपने नाम करवाने का। जिस तरह हर माँ को अपनी बेटी के मुस्तकबिल की फिक्र होती है उसी तरह मेरी माँ की भी एक छोटी सी शर्त थी। थार, मुझे पता है मुस्कान, मुझे क्यों सफाइयां पेश कर रही हो तुम? क्योंकि तुम्हारे घर वाले नहीं जानते शायद। वो समझते मुझे लालच है। नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। जिस तरह तुम्हारे भाई ने आज मेरी अम्मी से बात की उससे तो यही लगता है। तुम मेरी बात आज कान खोल के सुन लो बिलाल। जितनी मोहब्बत मुझे तुमसे है उससे कई ज्यादा मोहब्बत मुझे मेरी माँ से है। मैं कभी भी उनका दिल दुखाकर तुमसे शादी नहीं कर सकती। आज तो मैंने अपनी अम्मी की बेइज्जती बर्दाश्त कर ली, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। आइंदा अगर तुम्हारे घर में से किसी ने मेरी अम्मी के साथ बदतमीजी की तो मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी, मैं भी जवाब दूंगी उनको। फिर क्यों गए थे आप लोग मुस्कान के घर? रिश्ता मांगने गए थे तुम्हारा। फिर हो गया रिश्ता? जब मैंने आप दोनों को बताया था कि चची की क्या शर्त है तब भी आप लोग रिश्ता लेके चले गए। ओ भाई, ये कौन सा तरीका है मां बाप से बात करने का? तुम तो सब बीच में ना ही बोलो तो बेहतर है तुम्हारे लिए। क्यों? अब्बू से इतनी बदतमीजी करोगे मैं बोलूंगा नहीं। और जो तुम चाची से बदतमीजी करके आओ उसके बारे में तुम क्या कहोगे? हाँ, अच्छा पता चल गया तुम्हें इसका मतलब। हाँ, मुस्कान की कॉल आई थी मेरे पास, उससे मुझे सब कुछ बता दिया, तुम वहां क्या बदतमीजी करके आए? ऐसी बात है ना, वो जो मांग रही है आगे से मैं कैसे दूं उनको? वो यही जवाब है। तुम होते कौन उस मामले में बोलने वाले? ये घर के बड़ों का मामला है। तो इस घर का सबसे बड़ा बेटा अभी मैं हूँ और मेरा पूरा हक है कि मैं बीच में बोलूं। मैं तो फिर ताके वास्ते उन्होंने आपस में मत लड़ना, मैं
मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। अपने लाडले बेटे को समझाए कि इन सबसे दूर रहे और मुझे अबू से बात करने दे। नहीं तो अगर मैं नहीं गया तो क्या कर लोगे भाई तुम? हाँ क्या करोगे? अदनान मैं कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहता, इस वक्त बेहतर है तुम दुआ। सीन मैं क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ तुम्हें ये बता रहा हूँ कि अपने जहन से ये बात निकाल दो कि ये घर कभी भी मुस्कान के नाम पे नहीं होगा। शर्म कर लो तुम लोग, कुछ तो लिहाज कर लो। हम आपस में बात करने की तमीज नहीं है। बस मरा नहीं हूँ मैं, अभी जिंदा बैठा हूँ यहाँ पे। अबू आपने सुना उसने क्या बोला है? चलो या मेरे मुझे पहले मार दो तुम लोग, उसके बाद फिर एक दूसरे का खून। आपने सुना नहीं इसने क्या बोला है? बेहतर यही है कि तुम बस उसको ले जाओ, अपने कमरे में जाओ। बेटा पानी ला। बैठ जाओ बैठ जाओ। ये सब बहुत गलत हो रहा है अदनान, यही तुम्हारे भाई की मुस्कान से मोहब्बत? मतलब मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि वो मुस्कान की मोहब्बत में इस कदर आगे बढ़ गया कि वो ये लिहाज भोगे कि तुम उसे 4 साल बड़े हो। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। याद रखना, अगर मुस्कान की बिलाल से शादी हो गई तो ये दोनों माँ बेटी हमारे सरों पर चढ़कर ना नाचे तो मेरा नाम फरवा नहीं। ठीक कह रही हो तुम। अगर मैं ठीक कह रही तो तुम भी तो कुछ करो, बस तुम्हें ये शादी नहीं होने देना है। मैं क्या कर सकता? वही जो तुमने आज किया, बस तुम डटे रहो। मैं समझा नहीं। मेरे कहने का मकसद है कि कुछ भी हो जाए तुम्हें चची की शर्त पूरी नहीं होने देना है। बिलाल इस घर का सबसे छोटा और लाडला बेटा है, तो हो सकता है अम्मी अबू उसकी जिद के आगे मजबूर होकर चची की शर्त मान भी जाएं, पर तुम्हें ऐसा नहीं होने देना है, क्योंकि अगर ये घर मुस्कान के नाम पर हो गया तो वो अपनी माँ की आज की बेइज्जती का बदला हमसे जरूर लेगी और हमें ही सबसे पहले इस घर से चलता करेगी। कैसे चलता करेगी? कैसे करेगी चलता? ये मेरे बाप का घर है। तभी तो मैं कह रही हूँ कि अभी तो ये अबू का घर है, लेकिन शादी के बाद ये घर हमारा नहीं रहेगा, क्योंकि जहां तक मैं तुम्हारी चची को जानती हूँ वो ये घर मुस्कान के नाम कराए बगैर शादी नहीं करेंगी। इसलिए अगर चाहते हो कि हमारे सरों पर छत रहे तो तुम्हें किसी भी सूरत मुस्कान के नाम पर ये घर नहीं होने देना है। देखो मेरा काम था तुम्हें मशवरा देना, अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसमें कैसा किरदार निभाते हो, क्योंकि मुस्कान अगर इस घर की माकिन बनकर आ गई तो हमारे नसीब में सिवाय दर बदरी के और कुछ भी नहीं, और फिर हमारे साथ साथ हमारा बेटा भी दरबदर हो जाएगा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि हमें यह दिन देखना पड़ेगा। भाई भाई से लड़ेगा, माँ बाप का लिहाज भी नहीं किया। हमारी तरबियत में कोई कमी रह गई होगी ज़किया बेगम। जानती हो जब भी किसी घर में लड़ाई झगड़ा होता था, भाई भाई आपस में लड़ पड़ते थे, या कोई बेटा अपने माँ बाप को छोड़कर अलग होने की बात करता था, तो मैं सोचा करता था कि
यकीनन माँ बाप की तरबियत में ही कोई कमी होगी, गलती माँ बाप की है। अगर वो ठीक से तरबियत करते तो उन्हें ये दिन ना देखना पड़ता। लेकिन लेकिन हमने उनकी तरबियत में क्या कसर छोड़ी है? अपनी हैसियत से बढ़कर जो कुछ उन्होंने मांगा हमने उनको दिया, शायद काफी नहीं था। हमने जो कुछ उन्हें दिया वो काफी नहीं था। अगर काफी होता तो वो हमें घर में पड़ी हुई कोई बेजान शय ना समझते। खैर फिक्र मत करो ज़किया, हम जितनी कुर्बानियां उनके लिए दे सकते थे हमने दे दी, और नहीं देंगे। मैं ये मकान किसी और के नाम नहीं करूं। मगर बिलाल की जिद, बिलाल जाने उसका काम जाने। मैं मुस्कान के बगैर मर जाऊं। मैं भाभी की ये शर्त हरगिज भी नहीं मानूंगा। वो कोई आम लड़की नहीं है, मोहब्बत है मेरी। आप लोग समझ के नहीं रहे, मैं उससे शादी करना चाहता हूं। बिलाल को अगर मुस्कान से शादी करनी है तो ठीक है, अल्लाह उसे इतना दे कि वो अपनी प्रॉपर्टी खरीदे और कर दे मुस्कान के नाम। मैं तो नहीं दूंगा। अब्बू मैं मुस्कान के बगैर मर जाऊंगा। जलाल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप गफूर साहब? अल्लाह का शुक्र है बहुत, अल्हम्दुलिल्लाह। और सुनाएं कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बहुत करम है, आप ठीक हैं। और बहुत बहुत मुबारक हो। किस बात की मुबारक? अरे बिलाल बेटी की शादी जो करवाने जा रहे हैं आप लोग। ऐसी तो कोई बात नहीं है। ये भी कोई बात हुई? महल्लेदारी में कोई ये बात छुपाता है? हमें तो बहुत खुशी हुई इसीलिए आपको रोक लिया। नहीं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मोहल्ले वालों से तो कोई बात छुपी नहीं रहती, मगर अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं आपको ज़रूर बताता। अच्छा, दुर्दान आपके घर गई थी, मुनी ने बताया शायद उसे कि आप लोग बिलाल के रिश्ते की बात करने के लिए गए कहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, मुनी ने बताया? जी जी जी। अच्छा, कोई ऐसी बात होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। चलो ठीक है, अल्लाह ताला आपको इजाज़त रखे। मुनी, मुनी क्या क्या कर रही हो? सब कपड़े अलमारी से बाहर निकाल दिए हैं। मैं ना बिलाल की शादी के लिए कपड़े निकाल रहा हूँ। बिलाल की शादी के लिए तो हम आपको नए कपड़े लेके देंगे। सच्ची? फिर तो मैं पूरे 7 ड्रेसेस बनवाऊंगा और तुम भी ना पहले बहुत सारे नए ड्रेसेस बनवाना। ओके ठीक है? नहीं ओके बोलो। ओके ओके बोल दो। ओके ओके। अच्छा अब जल्दी से कपड़े समेट लो, अब्बू आगे तो बहुत डांट पड़ेगी। नहीं ओके ओके। ये लो। मुनी, मुनी ये क्या कमाल करके आई हैं आपकी समझ में अब मेरी बातें नहीं आती? क्या किया मैंने? क्या किया? बाहर सबको बताकर आई हैं कि बिलाल का रिश्ता तय हो रहा है मुस्कान से। मुने, कितनी दफा तुम्हें बताया कि घर की बात बाहर नहीं करते? अरे अम्मी, मैंने घर की बात थोड़ी की है, वो तो दुर्दाना आंटी है ना, वो तो घर में खुद आई थी। ओ आई थी तो मैंने उनको बता दिया कि बिलाल और मुस्कान की शादी हो रही है। अब बताए, मैंने तो घर में बताया ना, बाहर किसी को थोड़ी बताया। देखो रोशना, सही बात है ना? सही बात है,
इसने बाहर तो किसी को नहीं बताया। सही कह, कर लीजिए बहस। अच्छा अभी से रखो। ये कैसा है? अच्छा है ना? अभी दूसरे कपड़े भी बनवाऊंगा लाल की शादी के लिए। क्या हुआ? बिल आया है बिजली का। कितना है? 55,000। 55,000? पहले तो खुर्रम था, बिल वो दे दिया करता था। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि कैसे अदा होगा। देखिए आप फिक्र ना करें, मैं अदनान और बिलाल से बात करती हूँ कि अब ये जिम्मेदारी वो भी उठाए। और माशाल्लाह से बिलाल को तो जॉब भी मिल गई है ना? नहीं ज़किया, नहीं, मुझ में हिम्मत नहीं है एक और बेटा खोने की। कैसी बातें कर रहे हैं? वो हमारे बेटे, हमारी परेशानी नहीं समझेंगे तो और किसकी समझेंगे? आप देख लीजिएगा, वो हमें मायूस नहीं करेंगे। अच्छा ठहर जाओ, अभी बात न करना किसी से। मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ ना, बात करता हूँ प्रोविडेंट फंड की, देखना इतने पैसे मिल जाएंगे कि ये मसले आराम से हल हो। चलिए जैसे आपकी मर्जी, में आपके कपड़े तो खिलाती हूँ। देख लें अर्शद साहब, डॉक्यूमेंट्स तो पूरे हो गए। जी जी जलाल साहब, मैं आपकी फाइल आज ही फॉरवर्ड कर देता हूँ। थैंक यू सो मच। आपके ख्याल से अब कितना अर्सा लग जाएगा? सरकारी काम है, एग्जैक्टली तो कुछ भी नहीं बता सकता मैं। आप जानते हैं रिटायरमेंट के बाद सारा दारोमदार इसी प्रोविडेंट फंड पे ही होता है। बहुत अखराजात हैं, बिल्स वगैरह भी तमाम आ गए। देखिए मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, ऊपर वाले जब ओके करेंगे तभी आपका काम होगा। और वैसे इस काम के प्रोसेस में एक दो महीने तो हंसते मुस्कुराते लग जाते। एक दो महीने? अर्शद साहब ये तो बहुत ज्यादा है। क्या कह सकता हूँ, सरकारी काम है। हमें बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये सब खुर्रम भाई को निकालने से पहले सोचना चाहिए था ना। अब्बू के सामने तो घर के सारे हालात हैं। फरवा बस करो यार, अब नहीं बोलना कुछ। अब बोलोगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हम नहीं जा रहे। क्यों? हमारा पोता हॉस्पिटल में है। जलाल कैसे नहीं जा सकते? माँ मुझको झुलाओ ना, झूला रे माँ मुझको झुलाओ ना झूला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटे, बुलाया आपने? हाँ बेटा। इतना ज्यादा बिजली का बिल? इसी बारे में बात करने के लिए बुलाया बेटा। मैं कुछ समझा नहीं। बेटा यूटिलिटी की बिल्स खुर्रम दिया करता था इस घर में, लेकिन अब वो यहाँ नहीं है। तुम्हारे अब्बू भी रिटायर्ड हो चुके हैं, तो हमने ये फैसला किया है कि अब हम सब मिलके ये जिम्मेदारी उठाएंगे।
अबू, ये तो कोई इंसाफ नहीं है ना। वरुण भाई को तो आपने खुद घर से निकाला था ना, अब सारे घर की जिम्मेदारी हम पर क्यों डाली जा रही है? भाभी प्लीज, अब भाई को बात करने दें। मैं बिल्कुल नहीं बोलती, लेकिन ये मामला सिर्फ तुम्हारे भाई का नहीं, मेरे और मेरे बेटे का भी है। और अगर मैं इस वक्त खामोश रही तो ये मेरे साथ ज्यादती होगी। प्लीज खामोश हो जाओ। लेकिन मैं कह रहा हूँ। हाँ अम्मी अबू, वो श्री, आप लोगों को पता है कि मेरी सैलरी भैया से बहुत कम, और मुझे इब्राहिम के स्कूल की फीस भी देनी होती, और जो बाकी पैसे बचते हैं वो मैं घर पे देता हूँ हमेशा। और मेरी तो इसी महीने जॉब स्टार्ट हुई है अबू। लेकिन हर माह एक आमदनी तो आ रही है ना तुम लोगों के पास, और इसके बावजूद अगर तुम लोग ये नहीं कर सकते तो तुम्हारे अबू, जिनकी कोई तनख्वाह नहीं है, कोई जॉब नहीं है, रिटायर्ड हो चुके हैं, ये अकेले ये जिम्मेदारी कैसे उठाएंगे? अम्मी बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये सब खुरम भाई को निकालने से पहले सोचना चाहिए था ना। अबू के सामने तो घर के सारे हालात हैं। फरवा बस करो यार, अब नहीं बोलना कुछ, अब बोलोगी तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। मैं उसके लिए आप सबसे बहुत शर्मिंदा हूँ, सॉरी। नहीं बेटा नहीं, शर्मिंदा होने कोई बात नहीं बेटे, उसने कौन सी नाजायज बात की है, उसकी भी तो कुछ ख्वाहिशात होंगी ना। और मेरा बेटा कोई इरादा नहीं था तुम लोगों से ये बात करने का या तुम लोगों पे बोझ डालने का, तो तुम्हारी अम्मी कहने लगी कि ये बात तुम लोगों से शेयर करनी चाहिए, मुझे तो तुम लोगों को बता दिया। परेशान होने की कोई बात नहीं है बेटा, बस एक दो महीने की बात है, मुझे वो प्रोविडेंट फंड मिल जाएगा, बस एक दो महीने तक मैं किसी से उधार ले लेता हूं। बिल मैं पे कर दूंगा बेटा, लाओ बिल मुझे। तुम लोग जाओ अपने कमरों में जाओ बेटा। जाओ बेटे। मौला से ए जिंदगी, लम्हे गुजर जाएंगे आप ही, जितना कड़वा है तू उतनी मीठी है माँ, जाने तेरे बिना क्यों पिघलती है जान। मैं बता रही हूँ तुम्हें अदनान, वो तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं। अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, अबू इस वक्त परेशान है, और जाहिर सी बात है इस परेशानी में उनका कौन साथ देगा, मैं ही दूंगा ना। और रही बात बिल्स की, थोड़े अरसे की बात है, पूरी जिंदगी थोड़ी हमारे ऊपर जिम्मेदारी लगा देंगे, तो जब उनको प्रॉब्लम फंड मिलेगा सब कुछ सही हो जाएगा। सोच है तुम्हारी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये तुम पे सारी जिम्मेदारी का बोझ डालने के बहाने हैं अबू के। यार फरवा तमीज से बात करो, तुम्हें पता है तुम किसके बारे में बात कर रही हो? बस यही प्रॉब्लम है तुम्हारी, तुम्हें कुछ भी समझाया जाए कड़ी तुम्हें अपनी होती है। खैर कोई बात नहीं, कल जब मेरी बात सही साबित होगी ना, तब तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा।
मैं ना कहती थी कि हमारे बच्चे हमें कभी भी मायूस नहीं होने देंगे। कह तो ठीक रही हो, मगर सच बोलूं तो मुझे उनको इस तरह परेशान करना अच्छा नहीं लगा। अब बिलावजह मेरी वजह से उन दोनों के दरमियान झगड़ा हो रहा होगा। आप फरवा की बातों को क्यों दिल पर लिए? उसकी तो आदत है बगैर सोचे समझे कुछ भी कह देती है, लेकिन अदनान तो हमारा बेटा है। हाँ, लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं। जब उसको कोई मसला नहीं है तो आप क्यों सर पर सवार कर रहे? बस आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। आपने अपनी दवाई ली? भूल गया, मैं लाती हूँ। नहीं कर रहे? अभी मैं खेल रहा हूँ, खेलने के बाद करूँ। मामा आएंगी तो आपको बताएंगी। ठीक है। देखा, तुम्हारी वजह से बॉल चली गई। भाई नहीं, पर नहीं चले भाई, लग जाएगी। भाई भाई भाई, भाई। मामा, मामा। मामा। मामा मामा मामा, क्या हुआ रिशा? भाई के सर पे चोट आ गई है और खून निकल रहा है। ओहो, कहाँ है? वहाँ। अहमद, अहमद। मामा, ये ऊपर भी चढ़ा था, मैं मना भी कर रही थी। अहमद, कितनी दफा बोले इतनी मस्ती मत क्या करो। अरीशा, मेरा बैग और फोन ले आओ, खड़े हो, सब ठीक हो जाएगा। आ जाओ। बहुत दर्द हो रहा है। बहुत दर्द हो रही है। थोड़ी देर, थोड़ी देर। आज भी नहीं तो भाई ना। आ जाएगा भी बस। पांच मिनट। भाई थोड़ा तेज चला ले। बस। भाई थोड़ा जल्दी कर लो। क्या करूं अब मैं? खुर्रम ने अपना फोन ऑफ कर दिया। या अल्लाह मेरे मालिक, मेरे बच्चे की हिफाजत फरमा, इसे मेरी भी जिंदगी लगा दे।
ठीक हो जाएगा भाई, परेशान नहीं हो। ओके डॉक्टर साहब, कैसा मेरा बेटा? जी, स्टिचेस लगाकर खून तो रोक दिया है, मगर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। चोट गहरी होने की वजह से खून बहुत ज़ाया हो गया है, इसीलिए हम ज़रूरी समझते हैं कि सीटी स्कैन करके देख लें ताकि अंदरूनी चोट का मुआलता ना रहे। अरे ये क्यों कॉल कर रही है? मामा क्यों हुआ? दादा वो आ रहे हैं। आ जाएंगे अभी। अब फिर से कॉल कीजिए ना, डर लग रहा है मुझे, मेरे साथ पापा भी नहीं है। क्यों डर लग रहा है आपको? मैं हूँ ना आपके साथ। बस आप दुआ कीजिए कि भाई जल्दी से ठीक हो जाए, ठीक है? जी मामा। दादा वो दादू को बुलाएंगे ना? अच्छा, मैं दोबारा फोन लगाती हूँ। हेलो आफरीन, खैरियत? अम्मी। बेटा। अम्मी वो अहमद। क्या हुआ अहमद को? तुम रो क्यों रही हो? अहमद को सर फट गया है। अरे ये क्या कह रही हो? खेल रहा था, गिर गया, सर पे बहुत चोट आई है, अभी डॉक्टर्स ने स्टिचेस लगा दिए। वो कह रहे हैं कि खून बहुत ज़्यादा हो गया, उसकी वजह से सीटी स्कैन करना पड़ेगा, और फोरम पे जानी है, वो हैदराबाद गए हैं। आप और अब्बू प्लीज जल्दी से आ जाए। अच्छा तुम खुद को संभालो, हम पहुंच रहे हैं। ओके। क्या हुआ? अहमद का सर फट गया, वो हॉस्पिटल में, उसे हमारी सख्त जरूरत है, उसकी हालत सही नहीं है। आफरीन हमारा वेट कर रही है हॉस्पिटल। हां चलो चलो चलो, तुम जल्दी से। मैं बैग लाती हूं। तो हर बाप करता है, फर्ज था आपका, और मैंने कोई डिमांड नहीं की थी आपसे। यानी हम डिमांड करते हैं तुमसे? जी डिमांड करते हैं आप मुझसे। 2 लाख रुपए तनख्वाह है, 1 लाख देता हूं इस घर में मैं। क्यों? इसलिए कि आप बूढ़े हो गए और जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर सकते इस घर की। अरे बस भी करें ना खुर्रम। बोलने दो इसे बहू, देखे तो कितना लावा भरा हुआ है इसमें। हकीकत यही है, जितना आपने मुझ पर खर्च किया उससे कहीं ज्यादा मैं आपके ऊपर खर्च कर चुका हूं। मुआवजा करेंगे ना, पलड़ा मेरा भारी होगा। बेटे हो तुम, इसलिए हिसाब किताब कर सकते हो। हालांकि एक बाप अपनी औलाद के लिए जो कुछ करता है वो बेहिसाब बातें हैं। सिर्फ ये, सिर्फ बातें हैं। हिसाब आपने भी बड़े रखे हैं,
जिस दिन से नौकरी लगी है जितना पैसा इस घर पे लगाया ना, अगर सेविंग करता आज मेरा अलग से अपना अपार्टमेंट होता। बू आप अभी जा रहे हैं? हाँ, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो? ये जानते हुए भी कि अबू रिटायर होने वाले? हाँ, मैं जानता हूं कि वो रिटायर हो रहे हैं। अब मैं जानता हूं कि वो अपनी रिटायरमेंट की वजह से बहुत परेशान भी हैं। और मैं जानता हूं कि उनकी परेशानी की एक्चुअल रीजन ये है कि मेरे जाने के बाद इस घर के अखराजात कैसे पूरे होंगे, यूटिलिटी बिल्स कौन अदा करेगा, मोनी की दवाई कैसे आएगी, रोशना की कॉलेज की फीस कैसे अदा होगी। और इन सारी परेशानियों के बाद पता है उनको जब जवाब मिला ना कि वो ये नहीं मैनेज कर सकते, वो मुझसे माफी मांगने आ गए, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि मुझे घर से निकालने का कह के वो बहुत बड़ी गलती कर बैठे। मैं बेवकूफ था, मैं समझता था कि मेरे बाप को मेरी फिक्र हो गई है, वो मुझे प्यार करते, लेकिन उन्हें मेरी नहीं, मेरी सैलरी की, मेरे पैसों की जरूरत है। चिल्लाने से हकीकत नहीं बदलती अबू, हकीकत यही है कि आपको इस लम्हे में मेरी नहीं, मेरे पैसों की जरूरत है, मान ले ये बात। इस घर में बसने वाले हर शख्स को बता दो कि हमारा इस लड़के से कोई ताल्लुक नहीं है। अब मेरे सिर्फ दो बेटे हैं, याद रखना, अब अगर मैं मर भी जाऊं तो इसे मेरा मुंह ना देखने देना, बल्कि इसे मेरे जनाजे को कंधा देने की इजाजत भी ना देना। चलिए मौला, हम नहीं जा रहे। क्यों? हमारा पोता हॉस्पिटल में, जलाल कैसे नहीं जा सकते? हम नहीं जा सकते। जलाल, जलाल, जब एक पल में टूट ही जाए, फिर एक पल में जुड़ते नहीं है ये रिश्ते भी, क्या रिश्ते हैं? नहीं है, जलता फलक है, जलती जमीन है, तेरे बिना माँ कुछ भी नहीं है। ओ माँ मुझको झुलाओ ना, झूला रे माँ मुझको झुलाओ ना, झूला माँ मुझको झुलाओ ना, झूला रे माँ मुझको झुलाओ ना, झूला जरा हाले हिलाओ माँ झूला रे माँ मुझको झुलाओ ना, झूला रे माँ मुझको झुलाओ। माँ मुझको झुलाओ ना, झूला रे माँ मुझको झुलाओ ना, झूला ओ माँ मुझको झुलाओ ना, झूला रे माँ मुझको झुलाओ ना, झूला माँ मुझको झुलाओ ना, झूला रे माँ मुझको झुलाओ ना, झूला मुझको झुलाओ ना, झूला रे माँ मुझको झुलाओ ना, झूला।